दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संसद के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। 3 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है और इस पूरे कार्यकाल का लोखा जोखा और क्या विशेष रही खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों के लिए आपका स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल कि सर, अगर हम इस पूरे 3 साल के सत्र को देखें तो कोविड के लिहाज से सदी की सबसे बड़ी एक समस्या थी और दूसरा आपकी सरकार का या मौजूदा सरकार का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म 370 का बिल इसी सत्र में पास किया गया आपके कार्यकाल के दौरान, किस तरीके से अपने कार्यकाल को देखते हैं इस पे थोड़ा? 3 साल का ये कार्यकाल सभी माननीय संसद सदस्यों के सहयोग से, उनकी सक्रिय भागीदारी से, एक प्रोडक्टिविटी का सत्र रहा जिसमें सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। ज़्यादा देर रात तक सदन में बैठकर उन्होंने चर्चा संवाद किए, अपनी क्षेत्र के अभावों और चिंताएं कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इससे एक बेहतर परिणाम इस लोकसभा सत्र में आए, इससे कई कानून बनाने का काम और सबसे ज़्यादा विधायी कार्य हुआ। 3 सत्रों के अंदर अभी तक के पिछले सत्रों के अनुभव को देखें तो सबसे रिकॉर्ड कानून बनाने का काम हुआ। कानून बनाते समय ज़्यादा माननीय सदस्यों की भागीदारी रही, ज़्यादा देर तक भागीदारी रही, ताकि कानून बनाते समय एक व्यापक चर्चा संवाद सदन में हुआ। जितनी अधिक चर्चा संवाद कानून बनाते समय होता है उतनी एक सकारात्मक सुझाव, एक उत्तम सुझाव सदन के माध्यम से सरकार के पास भी आते हैं और सरकार को कानून बनाते समय भी और फिर रूल्स बनाते समय भी उनको सम्मिलित करते हुए एक बेहतर कानून बनाने में मदद इस चर्चा संवाद से मिलती है। कभी सा मौका आया आपको लगा कि जो संसद की गरिमा है, एक संसद की लेगेसी है, वो ठेस पहुंच रही है, कई ऐसे सदस्यों का दुर्व्यवहार की घटना, ऐसे मौके? ऐसे सामान्य रूप से 3 साल में मेरा ऐसा अनुभव नहीं रहा, लेकिन क्योंकि संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, संसद की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनी रहे, वो सभी चर्चा संवाद के केंद्र हैं, शासन और प्रशासन पर जवाबदेही पारदर्शिता बनी रहे, कार्यपालिका जनप्रतिनिधियों के अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम ला सके, और इसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि सभी संस्थाओं के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होना चाहिए। और इसीलिए हमने विधानमंडल के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी, केवड़िया में जो हुआ था, केवड़िया में हुआ, देहरादून में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, शिमला के अंदर हमारा शताब्दी वर्ष था वहाँ हुआ, वहाँ कई हमने निर्णय किए, फैसले किए कि सदनों की मर्यादा बनी रहे, उनका डेकोरम बना रहे, उनमें डिसिप्लिन रहे और ज़्यादा चर्चा हो, और इसके धीरे धीरे अपेक्षित परिणाम भी आने लगे हैं। आपका एक और रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि लोकसभा में आपने कई रिफॉर्म्स किए हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोगों में, खासकर जब डिजिटल, हालांकि वो वक्त की ज़रूरत भी थी जब देश भर में कोविड था और पेपरलेस और डिजिटल रिफॉर्म्स कर रहे थे, क्या वो चैलेंज के तौर पर आप लोगों ने लिया और देखा कि उसके फाइनेंशियल नतीजे भी आए, बचत के तौर पर आंकड़े बता रहे हैं? निश्चित रूप से नई तकनीकी, नई सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, जहाँ हमारे संसद सदस्यों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है, उनकी कार्य की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, वहीं संसद के कार्यालय के कामकाज में भी व्यापक सुधार होता है। और इसीलिए हमने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से, चाहे माननीय सदस्यों ने प्रश्न हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे 377 हो, सब में ई नोटिस के जरिए
95% ई नोटिस के जरिए उन्होंने नोटिस दिया, जिससे कागज की बहुत बचत हुई। इसी तरीके से ई बजट, ये हमारा सचिवालय, हमने कोशिश की कि किस तरीके से हम डिजिटल के माध्यम से जहाँ एफिशिएंसी ला सके, वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी से सूचनाएं त्वरित मिलती है, उससे हमारे मेंबर पार्लियामेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है। और इसके लिए हमने समय समय पर हमारी लाइब्रेरी को हमने डिजिटल करने का काम किया है, हमारी रिसर्च विंग को हमने और बेहतरीन बनाया ताकि 24 आवर्स माननीय सदस्य को किसी भी मुद्दों पर, किसी भी विधायी कार्य पर, किसी विषय पर बोलना हो तो उनको पूरा रिसर्च पेपर ऑनलाइन मिल सके। इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर जितनी सदन की कार्रवाई है 1 से लेकर 17 अभी तक, उनको हमने डिजिटल करण तो है ऑलरेडी उसका, वो डिजिटल के साथ साथ हमने उसको मेटा डेटा पर भी ला रहे हैं ताकि सब्जेक्ट के नाम्स के आधार पर सर्च इंजन के माध्यम से ढूंढा जा सके। उससे भी किसी भी विषय पर चर्चा करते समय पुरानी डिबेट और चर्चाओं का भी लाभ मान्य सदस्यों को मिलेगा। नए अगर जो पार्लियामेंट सेशन की बात हो रही है, कब तक शुरू हो जाएगा और क्या नया होगा? क्योंकि बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी है, क्योंकि लोकतंत्र का नया मंदिर बन रहा है, क्या नया होगा, थोड़ा उसके बारे में बताना है। जब प्रधानमंत्री जी ने इस बिल्डिंग का शिलान्यास किया था तो लक्ष्य किया था कि 2 साल के अंदर इस नए लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण हो जाए, और उस लक्ष्य की ओर हम चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य अक्टूबर तक इस नए भवन के निर्माण का था। मुझे आशा है कि जो नया विंटर सेशन नवंबर दिसंबर का होगा वो नए भवन में हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी आ रहे हैं। नए संसद भवन में जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, हमारी विविध संस्कृति की दृष्टि से, हमारे माननीय संसद सदस्यों को बैठने, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, उन सब नए संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए हम किस तरीके से माननीय संसद सदस्यों की, सचिवालय की कार्यकुशलता को और बेहतर कर सकें ताकि वो और अपेक्षित बेहतर परिणाम देश की जनता को दे सके। एक सवाल ये है कि आप देश भर के सांसदों की सबसे बड़े कस्टोडियन गार्जियन के तौर पर हैं, और हाल के कुछ अगर इंसिडेंट की बात करें, आप हाल ही की बात करें राहुल गांधी पे जिस तरीके से पूछताछ हो रही, इसके बाद जो कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन चला था, उनके तरफ से सत्याग्रह कहा जा रहा था, उस पर पुलिस की जाति को लेकर लगातार आरोप लगाए हो, और एक कांग्रेस का डेलीगेशन भी आपसे मुलाकात किया है, सो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि जो संसद सदस्यों की प्रिविलेज्ड है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय, क्योंकि दिल्ली है इसलिए केंद्र का विषय, कानून का शासन रहे ये सब लोग अपेक्षा करते हैं। ये जो पार्लियामेंट में संसद के अध्यक्ष के रूप में एक मेरा दायरा सीमित है, और उस दायरे के अंदर माननीय संसद सदस्यों के संविधानिक अधिकार और उनके विशेषाधिकार का हनन न हो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न हो या किसी जांच एजेंसी का प्रश्न हो, वो हमारे दायरे में नहीं आता। हमारा दायरा केवल संसद और संसद के कामकाज करने वाले माननीय संसद सदस्य को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसके तहत उनका संरक्षण हो, और जहाँ तक माननीय संसद सदस्यों से व्यवहार की बात है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है, उस गाइडलाइन की पालना सब विभाग करें ऐसी अपेक्षा करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि से किस तरीके से अधिकारी ऑफिस में बातचीत में व्यवहार कर सकते हैं उसकी एक गाइडलाइन बनी हुई है। क्योंकि जांच एजेंसियों के ये सब दायरा लोकसभा स्पीकर का नहीं आता, इसलिए मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करता जब कोई विषय पर जांच चल रही हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के
सांसदों का आरोप है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी हैं, कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, चिदम्बरम की बात कर लें, बाकी उन पे वो उनका बहुत सीधा आरोप है कि जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ है वो प्रिविलेज से छेड़छाड़ की जा रही है, पुलिस उसके ऊपर जाके उनसे दुर्व्यवहार कर रही है, ऐसे मामले आपके सामने आ रहे हैं, तब आपका क्या रोल रहता है? प्रिविलेज के लिए एक प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है। जब कभी भी प्रिविलेज का कोई दायरा होता है तो उस दायरे के अंदर वो कमेटी जांच करती है। उस कमेटी में सभी दल के मान्य सदस्य होते हैं और उसकी जांच का जो परिणाम होता है वो मेरी पास अनुशंसा के साथ आता है। ये एक सिस्टम प्रिविलेज का बना हुआ है और मुझे लगता है कि जो सुझाव या जो कुछ भी निर्णय प्रिविलेज कमेटी ने किए हैं उस निर्णय को हम सदन के पटल पर रखते हैं। ये एक सिस्टम है प्रिविलेज का। अब प्रिविलेज किस बात का, ये एक डिबेट का विषय है। बेसिक प्रिविलेज है सदन के कामकाज का, सदन के कामकाज से कोई मान्य सदस्य को रुकावट न हो उसका, इसलिए वो प्रिविलेज मोशन मान्य सदस्य देते हैं, लेकिन वो प्रिविलेज उनका हुआ नहीं हुआ ये वो कमेटी जांच करती है। विशेषाधिकार हनन हुआ नहीं हुआ उस कमेटी के प्रोसीजर के तहत उसकी जांच होती है। एक और बड़ा इंसिडेंट था महाराष्ट्र से, अमरावती की जो सांसद नवनीत राणा, उन्होंने बहुत आरोप लगाया, खासकर महाराष्ट्र पुलिस को लेकर अधिकारियों पर नेम्ड करके आरोप लगाया, वो भी मामला प्रिविलेज में चल रहा, आपके तरफ से भी उनका आपके ऑफिस के तरफ से भी संज्ञान लिया गया था, कैसे देखते हैं ऐसे मामले को? देखिए, कोई भी मान्य सदस्य हमें लिख कर देता है तो हम हर मान्य सदस्य की बात का संज्ञान लेते हैं, चाहे वो निर्दलीय सदस्य हो चाहे किसी दल का सदस्य हो, हमारे लिए सभी मान्य सदस्य समान हैं। वो प्रिविलेज बनता है नहीं बनता है ये प्रिविलेज कमेटी तय करती है, लेकिन हर मान्य सदस्यों का सम्मान बना रहे ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और कोई भी मान्य सदस्य हमें कभी भी कोई भी विषय की जानकारी डालता है तो हम हमारे दायरे के अंदर संबंधित विषयों की जानकारी लेते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि सभी मान्य सदस्यों के सम्मान विश्वास और उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार उसके एक्ट एक्शन ऐसे न होना चाहिए जो कभी भी मर्यादा के विपरीत हो, ये अपेक्षा भी हम करते हैं संसद सदस्यों से। मुझे लगता है कि कोई भी मान्य सदस्य जो है हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे नवनीत राणा जी हो चाहे किसी दल का मान्य सदस्य हो, हर दल के सदस्य को अपने व्यथा पीड़ा कहने का अधिकार होता है, सदन के अंदर भी कहते हैं और सदन के बाहर कभी भी प्रिविलेज के मोशन के तहत भी वह हमें जानकारी देते हैं, कमेटी उसकी जांच करती है। चलिए, धन्यवाद सर। और टाइम्स नव भारत के दर्शकों के तरफ से एक बार फिर जब नया संसद बनेगा तो फिर एक बार हम आपसे बातचीत करेंगे और उस नए संसद के प्रांगण में क्या क्या सुविधाएं जानेंगे। धन्यवाद।